फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, गुटके से दांत हो गए हैं काले तो अपनाएं ये एक मिनट वाला नुस्खा। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है, यह जानने के बावजूद कुछ लोग इसका सेवन करते हैं। इससे न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके दांतों को भी बहुत नुकसान होता है। लंबे समय तक गुटके का सेवन करने से दांतों पर एक काली गंदी सी परत जम जाती है, जिससे पर्सनालिटी तो खराब होती ही है, साथ ही साथ कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके दांत गुटके के कारण काले हो गए हैं तो हमारे दिए गए इस उपाय की मदद से इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको दांतों से तंबाकू के काले निशान एक मिनट में हटाने वाला आसान घरेलू नुस्खा बता रहे हैं। खुलकर हंसना सेहत के लिए कितना जरूरी है, शायद यह बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दांतों के गंदे होने पर हम खुलकर हंस नहीं पाते और दांतों के कालेपन को दूर करने के लिए कई प्रकार के केमिकल युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह केमिकल दांतों के जड़ों को कमजोर बना देते हैं, लेकिन परेशान न हो, क्योंकि अगर गुटके के सेवन के कारण आपके आपके किसी जानकारी के दांत काले हो गए हैं तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा और नींबू की मदद से आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण मौजूद होते हैं और एक मिनट में होने वाला यह आसान घरेलू उपाय दांतों को आसानी से साफ करता है। आइए जानें इसे कैसे बनाया या इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे बेकिंग सोडा थोड़ा सा, नींबू आधा कटा नींबू, नारियल पानी थोड़ा सा। इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आपको अपने दांतों में ब्रश करना है, फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा भी कहलाता है, अपने हाथों में लेना है। सोडे को हाथों में लेने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर आधे चम्मच से भी कम बेकिंग सोडे को लेकर उसमें 2 से 4 बूंद नींबू मिलाना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट से अपने दांतों की अच्छे से मसाज कर लें। मसाज करने के तुरंत बाद अपने दांतों को नारियल पानी से धो लें। इस एक मिनट के उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आपके दांतों का कालापन दूर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे पानी में नींबू का रस मिलाकर नियमित कुल्ला करने से भी दांतों का कालापन दूर होता है। काले दांतों को साफ करने के लिए नीम के दातुन से बेहतर विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे दांत स्वस्थ होने के साथ मजबूत बनते हैं। संतरे के छिलके और तुलसी के पत्तों को सुखा लें, फिर इसका पाउडर बनाकर अपने दांतों को साफ करें। दांतों का कालापन दूर होने के साथ दांत मजबूत भी होंगे। वैसे तो जितना हो सके नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की कोशिश करें। तो ये थे फ्रेंड्स, गुटखे से दांत हो गए हैं काले तो अपनाएं ये एक मिनट वाला नुस्खा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।